हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैं आपको पिछले 5-6 वीडियो से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ कि निफ्टी में बेरिश व्यू है, निफ्टी में सेलिंग पोजिशन ही बनानी है, शॉर्ट साइड ही काम करना है। बैंक निफ्टी भी मैं आपको कंटिन्यूअसली सेलिंग ही बोल रहा हूँ पिछले 5-6 वीडियो से। मैं आपको बैंक निफ्टी 21,000 के लेवल से सेलिंग बोल रहा हूँ, और निफ्टी मैंने 9,700 के लेवल से सेलिंग ही बोल रहा हूँ। और वापस मैं आपको बोल रहा हूँ आज के वीडियो में भी कि 9,100 इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है यहाँ से 9,100 का लेवल एक बार वापस रीटेस्ट हो सकता है, और अगर 9,100 के नीचे जाते हैं तो 8,900, 8,800, 8,900, 8,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपने शॉर्ट करके पैसा बनाया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में मैंने कंटिन्यूसली पिछले 4-5 वीडियो आप देख सकते हो, मेरा कंटिन्यूसली मेरा व्यू बेरिश ही है, और मैंने आपको एक राइट डायरेक्शन का ट्रेड दिया। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी। निफ्टी आज अगर आप देखें एक अच्छा हाई बना, बट वापस ऊपर के लेवल से हमें एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। अभी भी टारगेट वही है 9,100। 9,100 के नीचे जाता है तो 200-300 पॉइंट और ये फॉल आ सकता है। सो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 9,100। 9,100 के नीचे जाता है तो 8,900 एंड 8,800, ये दो पॉसिबल टारगेट्स होंगे। सो व्यू अभी भी बेरिश ही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आज आप देखो निफ्टी फ्लैट है लेकिन बैंक निफ्टी 2% डाउन है। सो मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियोस में यही बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी ने आज ये लो भी तोड़ दिया है, आप देख सकते हो, और बैंक निफ्टी ने एक्चुअली एक फ्रेश ब्रेक डाउन दिया है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से प्राइस गिरा था, ये फॉल आया था, और ये कंसोलिडेशन था, 3-4 दिन ये काफी कंसोलिडेट हुआ और वापस एक फ्रेश फॉल हमें देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से मुझे लगता है 18,500 एंड 18,000, ये दो पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियोस में भी यही कहा है कि 18,500 एंड 18,000 ये टारगेट्स होंगे। तो बैंक निफ्टी में भी बेरिश व्यू है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3-4 स्टॉक्स दिए थे, कंडीशनल ट्रेड दिए थे, उसमें से एक स्टॉक आज ट्रिगर हुआ, ICICI बैंक, बाकी के लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए, इसलिए उस स्टॉक्स में हमने एंट्री नहीं लिया है। तो मैंने आपको ICICI बैंक क्लियरली बोला था 325 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और आप देखो 325 के बाद इसने काफी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया, 318 के आसपास लो बना के 320 के आसपास क्लोज हुआ है। अभी भी इसमें व्यू बेरिश ही है, और मुझे लगता है यहाँ से 300 तक के लेवल ICICI बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के लिए। सो कल के लिए सबसे पहला स्टॉक होगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ अगर आप देखें यहाँ पे एक ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पे इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा पैटर्न बनाया, और हो सकता है ये पॉसिबल एक फॉल्स ब्रेकआउट हो, और अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक फास्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो HDFC लाइफ शॉर्ट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखो ये कंटिन्यूसली वीक है, और ये 52 वीक लो बनाते जा रहा है। इनफैक्ट आज भी इसने ये 165 का एक लेवल था वो ब्रेक कर दिया, और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो 165 के नीचे करीबन 7-8 रुपए का मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकता है। सो पॉसिबल है इसमें 157 एंड 150, ये दो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंटिन्यूसली आपको बेरिश ही बोल रहा हूँ फ्रॉम द लेवल ऑफ 195। अगर आप मेरे पास्ट वीडियोस देखें तो 195 के लेवल से मैं आपको कंटिन्यूसली, ये वीक स्टॉक है और इसमें आपको बेरिश ट्रेड ही लेना है, 195 के लेवल से मैं कंटिन्यूसली बेरिश बोल रहा हूँ। जिन्होंने मेरे वीडियोस पास में देखे हैं अच्छे से पता होगा कि 195 के लेवल से मैं कंटिन्यूसली इसमें बेरिश ही ट्रेड दे रहा हूँ, और अभी भी मेरा टारगेट 150 के आसपास ही है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा 150 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसमें बना है, ये एक फॉल था, ये बेरिश एनगल्फिंग था एक्चुअली, एंड ये बेरिश एनगल्फिंग के नीचे इसने ब्रेकडाउन जरूर दिया, लेकिन वापस प्राइस ये कवर कर चुका। अब मुझे लगता है यहाँ से 180-185 तक के लेवल से इजीली वापस रिटेस्ट कर सकता है। अंबुजा सीमेंट एक काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा। कौन से लेवल पे ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।